दोस्तों वेलकम टू माई चैनल कन्विटल। सो दोस्तों कमेंट सेक्शन में राम राम जी जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों आज हम इस पेज पे हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। एंड दोस्तों ये पेज जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। एंड हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हो मैनुअली। सो दोस्तों दो ट्रिक्स होती हैं मैनुअली मोनेटाइज करने की। फर्स्ट ट्रिक होती है कि एक एक करके आप सारी वीडियोस को मोनेटाइज करते हो। एंड सेकेंड होती है कि आप एक क्लिक में सारी वीडियोस को मोनेटाइज कर लेते हो। सो दोस्तों मैं दोनों ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। सो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करोगे तो बहुत सारे लोगों का हेल्प होगा एंड मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेज के फॉलोवर्स से। सो दोस्तों आप देख सकते हो 10K फॉलोवर्स हैं एंड जो वीकली रीच है वो भी काफी अच्छे हैं। सो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो गया। एंड दोस्तों 10K है जिसका मतलब कि क्राइटेरिया कंप्लीट है। एंड दोस्तों इस पेज का हम पेज क्वालिटी देख लेते हैं। यहाँ का काम यहीं पर खत्म करके फिर हम चलेंगे क्रिएटिव स्टूडियो में। सो दोस्तों पेज क्वालिटी पर भी कोई वायोलेशन नहीं है। योर पेज नो रेस्ट्रिक्शन और वायोलेशन। तो यहाँ पर का जो हेल्थ चेकअप करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्रिएटिव स्टूडियो को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, मैंने ओपन करके रखा है तो मैं डायरेक्ट क्रिएटिव स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर हमने क्रिएटिव स्टूडियो को ओपन कर लिया है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर अभी पेज नाम शो होगा तो पेज भी देख लीजिए दोस्तों, वही पेज है। ठीक है, सो दोस्तों अब हम यहाँ पर मोनेटाइजेशन का कोई टैब देख रहा होगा तो मोनेटाइजेशन पर हम क्लिक करते हैं। एंड फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इस पर कोई वायोलेशन तो नहीं है। अब यहाँ पर पॉलिसी इश्यूज पर मैं क्लिक करूंगा एंड देखूंगा कि इस पेज पर कोई पॉलिसी इशू तो नहीं है। सो दोस्तों आप देख सकते हो नो मोनेटाइजेशन वायोलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी वायोलेशन नहीं है। ठीक है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो होती है वो भी एकदम ठीक है। ठीक है, मतलब कि ग्रीन है। सो अब दोस्तों फर्स्ट चीज के मैनुअली एक एक करके आपको वीडियोस को कैसे मतलब कि इन स्ट्रीम एड्स के लिए मोनेटाइजेशन के लिए भेजना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वीडियोस मोनेटाइज होती हैं एंड कौन सी नहीं। सो दोस्तों फर्स्ट होता है कि आपकी वीडियो 3 मिनट से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, अब 3 मिनट लॉन्ग आपकी वीडियो होगी तभी अब वो मोनेटाइज होगी। लाइक देखिए दोस्तों ये 3 मिनट 2 सेकंड की है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप डॉलर का मार्क देख सकते हो। ये डॉलर का मार्क पे यहाँ पर कोई भी कटा हुआ वगैरह का निशान नहीं है, मतलब कि ये वीडियो जो है वो मोनेटाइज हो सकती है। एंड दोस्तों मैं नीचे करके आप दिखाऊं, ये देखो दोस्तों 2 मिनट 22 सेकंड की वीडियो है। एंड यहाँ पे जो डॉलर मार्क आप देख सकते हो इसका ये क्रॉस हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब कटा हुआ है। इसका मतलब ये वीडियो किसी भी हालत में मोनेटाइज नहीं हो सकती। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो में जो कॉन्टेंट हो, ठीक है, वो मतलब कंटेंट आपका ओरिजिनल कंटेंट हो। एंड जो ये है डॉलर, मतलब कि ये कटा हुआ कब होता है, जब आपके 3 मिनट से कम की वीडियो होती है। तो आपकी वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन होती हैं। एंड बाकी कंडीशंस जो होती हैं वो दोस्तों आपको जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कि मैनुअली हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ से या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट एडिट पोस्ट पर क्लिक कर सकते हो। एंड इस पोस्ट का मतलब एडिट पेज जो होता है, ठीक है, एडिट विंडो वो खुल जाएगी। सो दोस्तों आप यहाँ पर आ गए हो तो आपको यहाँ पर दो चीजें करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो लोग गलती करते हैं। कि आप मतलब कि ज्यादातर लोग जो फेसबुक ऐप से अपनी वीडियो को मतलब कि अपलोड करते हैं वो मतलब एक गलत तरीका है। ठीक है, वो वीडियो वहाँ से अपलोड तो हो जाती है बट वो एक सही रास्ता नहीं है। आप जब भी अपलोड करो तो दोस्तों क्रिएटर स्टूडियो से अपलोड करो। वहाँ से क्या होता है कि आप टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, टैग दे सकते हो एंड थंबनेल भी सेट कर सकते हो। लेकिन फेसबुक ऐप से आप अगर अपलोड कर रहे हो तो आप ओनली डिस्क्रिप्शन वहाँ पर सेट कर रहे होते हो, टाइटल एंड टैग का ऑप्शन नहीं आता है। एंड दोस्तों टाइटल देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड टैग देना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टैग से आपकी वीडियो सर्चिंग में आती है। ठीक है, वो मतलब कि वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर मैं इसी के टाइटल को डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके दोस्तों इसके टैग में डाल रहा हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड मैंने इसके टैग में भी इसको पेस्ट कर दिया। सो दोस्तों यहाँ पर हमें तीनों चीज़ें हो गई हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, तीनों चीज़ें हमने सेट कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर आप राइट साइड में देखोगे इन स्ट्रीम का ऑप्शन, जो बहुत सारे पेजेस में नहीं आता है जब तक वो इन स्ट्रीम से मोनेटाइज नहीं हो जाते हैं। सो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये मोनेटाइज है। तो यहाँ पर हम इन स्ट्रीम्स पर क्लिक करते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इन स्ट्रीम एड्स। ठीक है, यहाँ पर ऑफ है तो आपको यहाँ पर इसको ऑन करना होगा। ठीक है, एंड ऑन करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर दो लिस्ट मिलती
मिलती है, एक ब्लॉक लिस्ट एंड ये कंट्री लिस्ट। ठीक है, आपको ये दो लिस्ट मिलती है, तो ये आपको कहाँ से बनानी है एंड ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। सो दोस्तों, फर्स्ट अभी हम यहाँ पर हैं तो मैं यहीं से क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ, एंड सेकेंड आप दूसरी कहाँ जगह कौन सी जगह होती है जहाँ से क्रिएट होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो यहाँ पर आपको क्रिएट पर करना है, एंड बाई डिफॉल्ट ये जो सेट है इसको ऐसे ही रहने दें एंड क्रिएट पर क्लिक कर दें। सो दोस्तों, यहाँ से ये क्रिएट हो गई एंड बाई डिफॉल्ट जो मतलब डिफॉल्ट है वो सिलेक्ट भी हो गई है। ठीक है, एंड कंट्री रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर भी आपको ये सेट करके आपको यहाँ पर इंडिया कर देना है, अगर आप इंडिया से हो या फिर आप जहाँ से ही बिलोंग करते हो। ठीक है, आपको वो सिलेक्ट कर देना है। सो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर नीचे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, एंड यहाँ पर आपको इसको टिक मार्क कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव पर क्लिक करना होगा। सो दोस्तों, हमने सेव पर क्लिक कर दिया, एंड दोस्तों आप देखिए जो फर्स्ट वीडियो थी वो भी मतलब अंडर रिव्यू में पहले से ही थी, एंड सेकंड वीडियो का भी डॉलर आप देख सकते हो ये अंडर रिव्यू में पहुंच चुकी है, एंड दोस्तों थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो ये भी नहीं है। सो दोस्तों, एक स्टेप तो ये पूरा हो गया कि मैनुअली आप एक एक करके कैसे करना चाहते हो, वो दोस्तों तरीका ये रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड तरीका कि आप मतलब कि एक क्लिक में अपनी ऑल वीडियोस को जो भी आप यहाँ पर देख सकते हो सारी वीडियोस को कैसे आप मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी ओनली वीडियोस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आप ऑल वीडियोस को एक क्लिक में मोनेटाइज कर सकते हो। पहले होगी कि मैंने ऑल वीडियोस को पहले सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, आपको भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है, एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने उन वीडियो को छोड़ दिया जिनका डॉलर कट है। ठीक है, मतलब कि जिनका वॉच टाइम जिनका मतलब वीडियो का ड्यूरेशन टाइम जो है 3 मिनट से कम है, मैंने उन वीडियो को सिलेक्ट नहीं किया है, ओनली उन वीडियो को सिलेक्ट किया जिनका डॉलर पर कोई मतलब मार्क नहीं है एंड जो ठीक है। सो दोस्तों, यही वीडियोज हैं जो मोनेटाइज हो सकती हैं एंड वो वीडियोज मोनेटाइज नहीं हो सकती। सो दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ऑल सिलेक्ट कर लेनी है, एंड दोस्तों मैंने अभी 9 वीडियोज को सिलेक्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे आपको बुल्क एडिट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, एंड आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। सो दोस्तों, आप इस विंडो को देख लीजिए, ठीक है, एंड मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक बार में अपनी सारी वीडियोस को मोनेटाइज करोगे। सो दोस्तों, इसके लिए मतलब इस ऑप्शन को यूज करने के लिए जरूरी क्या है कि आपका जो भी मतलब टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शन है वो दोनों होना चाहिए। अगर टाइटल मिसिंग है डिस्क्रिप्शन है तब भी नहीं होगा, एंड डिस्क्रिप्शन मिसिंग है टाइटल है तब भी ये मोनेटाइज नहीं होगा, तो दोनों चीजें आपकी होनी चाहिए। सो सारी वीडियोस में आप देख लीजिए, ये सारी चीजें मैंने डाल के रखी हैं। एंड दोस्तों, आपके यहाँ पर इन स्ट्रीम ऐप का सेकंड ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑफ होगा, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, ठीक है, आपको इसको ऑन करना है एंड यहाँ पे डन कर देना है। सो यहाँ से तो हमारा ये काम हो गया, ये डन हो गया, एंड आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे सेव चेंजेस का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड सेव चेंजेस पे आप क्लिक करोगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन और हो जाएगा। ठीक है, वी आर सेविंग योर चेंजेस, मतलब अभी जो आपने चेंजेस किए हैं फेसबुक उसको सेव कर रहा है। एंड दोस्तों, आप यहाँ पे काउंटिंग भी देख सकते हो कि कितनी वीडियो आपकी सेव हो गई हैं जो आपने चेंज किए हैं उस चेंज में, एंड कितने हो रही हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 वीडियोस पोस्ट आर प्रोसेसिंग, सो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। एंड दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी हमने वीडियोज को अंडर रिव्यू में भेजा था वो सारी यहाँ पर अंडर रिव्यू में पहुंच गई है। ठीक है, आप यहाँ पर टोटल वीडियोज को कैसे देख सकते हो। एंड दोस्तों, जो एक चीज रह गई थी कि मैं आपको बताने वाला था, सेकंड आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जो कंट्री रेस्ट्रिक्शन होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अभी हम मोनेटाइजेशन पर क्लिक करते हैं, एंड दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है इन स्ट्रीम एड्स का, तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो अभी 2 वीडियो मतलब 2 वीडियो शो हो रही हैं। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं जो हमने बाकी वीडियोस को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था अंडर रिव्यू में भेजा था वो यहाँ पर एड हुई है नहीं हुई। अगर हो गई होंगी तो इसका मतलब है कि सारी वीडियोज अंडर रिव्यू में पहुंच चुकी हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि अभी सिर्फ 2 वीडियो थी एंड सारी वीडियोज अब यहाँ पर अंडर रिव्यू पहुंच गई हैं। कुछ टाइम के बाद इसका डॉलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा, एंड ग्रीन होने के बाद ही इन वीडियोस पे अर्निंग स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। सो दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हो आगे आपको अर्निंग मतलब के एस्टिमेट एंड अर्निंग्स का एक ऑप्शन मिलता है, तो ये देखने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना होता है एंड यहाँ पे पर्सन जो है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है एंड यहाँ पर एक्सेस देनी होती है। जब तक आप एक्सेस नहीं दोगे तब तक आप यहाँ से अर्निंग नहीं दे सकते कितनी अर्निंग हो रही है, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो जो कि ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, एंड जो मैं बता रहा था रेस्ट्रिक्शन कहाँ से सेट करना होता है, अब यहाँ पे वीडियोस में मैं दिखा दूं पहले कि कहाँ पे आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सेकंड वाला जो अर्निंग का ऑप्शन है इसी के नीचे रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ आता है। ठीक है, वो क्यों आता है, क्योंकि वहाँ से हमने अर्निंग की एक्सेस नहीं दी होती है। एंड जो कंट्री सेलेक्ट करना होता है वो ब्लॉकिंग एंड रेस्ट्रिक्शन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है,
तो आपको यहाँ से यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो में से ही कर दी थी। सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मतलब क्रिएट हुई भी हैं, तो अभी इस पेज में नहीं करनी है। सो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, आपको मेरी वीडियो में जो भी मैंने बताया समझ में आया होगा कि कैसे आप मैनुअली एक एक करके वीडियो को मोनेटाइज करोगे एंड कैसे आप एक क्लिक में अपनी सारी वीडियोस को मोनेटाइज करोगे। सो दोस्तों आपको अगर समझ में आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग सीख पाएंगे इस चीज़ को। सो दोस्तों मेरा भी यही मतलब मकसद है कि बहुत सारे लोग जो है फेसबुक पर काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को सीख पाएं। सो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों उनको भी सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। एंड वीडियो पसंद आ रही हो मेरे चैनल की तो वीडियो को चैनल को कर दिए सब्सक्राइब एंड दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।